यस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल शेपर्स एडुकेशन। मैं सीए मोहित तापड़िया। आज मैं आपको एक छोटा सा नारा देने वाला हूं, एक सिंपल सा नारा, एक सम चैप्टर खत्म। भैया कैसा लगा सुन के, एक सम चैप्टर खत्म? ऑनेस्टली आज पहली बार मैं आपको 10 मिनट में एक पूरा का पूरा चैप्टर फिनिश कराऊंगा। यस, आई एम नॉट जोकिंग, एक पूरा का पूरा चैप्टर मैं आपको 10 मिनट में फिनिश करवाने वाला हूं। जस्ट 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 यहां फोकस करते रहिए, राइट एनफ। ये टॉपिक में सारे सम एक जैसे ही है भैया, आप एक करो कि 10 करो कोई फर्क नहीं पड़ेगा, एक ही जैसा सिंपल सा फॉर्मेट आपको बनाना रहेगा और उस चैप्टर का नाम है डिसोल्यूशन। टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट विद अ न्यू चैप्टर, अ सिंपल चैप्टर, एंड द नेम ऑफ द चैप्टर इज डिसोल्यूशन। एंड यस, ऑनेस्टली गलत बात नहीं बोली गई है, 10 मिनट में ये चैप्टर आपका पूरा हो जाएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे आज हम एक छोटे से मिनिएचर चैप्टर के साथ में, जिसका नाम रहेगा डिसोल्यूशन। 6 मार्क आपके बोर्ड एग्जाम्स में आपके कंफर्म्ड हो जाएंगे इस चैप्टर के साथ में। So guys, today we are going to start with a very, 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 very simple and a very small chapter. The name of the chapter is all about dissolution. सबसे पहले समझते हैं dissolution का मतलब क्या होता है। Dissolution का basic meaning होता है जब आपकी firm बंद हो रही है, आपकी firm dissolve हो रही है, तो उसे कहा जाता है dissolution. Common sense कहता है भैया जब firm ही बंद हो रही है तो अब firm में accounts की कहाँ जरूरत है, balance sheet की कहाँ जरूरत है। हम हर साल balance sheet बनाते हैं जिससे इस साल के asset अगले साल carry forward हो सके, बट अब तो firm बंद हो रही है तो अगला साल ही कहाँ है। तो जब फर्म बंद हो रही है हमें सबसे पहला काम करना है बैलेंस शीट को खाली करना है। तो ध्यान रखना, ये पूरा का पूरा चैप्टर मैंने 3 स्टेप में डिवाइस किया है और मेरा पहला स्टेप है बैलेंस शीट खाली करो। हमें बैलेंस शीट को खाली करना है, फर्स्ट स्टेप इज बैलेंस शीट खाली करो। कैसे करना है मैं आपको बताऊंगा, या ध्यान देंगे। डिसोल्यूशन में हम बेसिक्स में 4 अकाउंट बनाते हैं। सबसे पहला अकाउंट होता है रियलाइजेशन अकाउंट, दूसरा अकाउंट बनाया जाता है कैपिटल अकाउंट, और तीसरा अकाउंट बनाया जाता है कैश अकाउंट। इस तरह से हम इस पर्टिकुलर चैप्टर में 3 अकाउंट बनाने वाले हैं। सो बैलेंस शीट खाली कैसे करनी है वो मैं बता रहा हूं आपको। बैलेंस शीट में हमारे पास लेफ्ट साइड में दिया होता है कैपिटल, उसके नीचे दिया होता है रिजर्व्स, और उसके नीचे दी होती है बाकी सारी लायबिलिटीज, लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज प्लस करंट लायबिलिटीज। राइट साइड में हमें सब एसेट्स दिए होते हैं और लास्ट में दिया होता है कैश या बैंक बैलेंसेज। ओके, चलिए सबसे पहले हम बैलेंस शीट खाली करेंगे, मतलब जो भी कैपिटल अकाउंट में दिया हुआ है सबसे पहले उसे ले जाके यहां लिख दो कैपिटल में बैलेंस वॉट डाउन। जो भी बैलेंस है दोनों तीनों पार्टनर्स का वो हम यहाँ पे यहाँ कैरी फॉरवर्ड कर देंगे। फिर हमारा काम है सेकेंड, हम खाली करने वाले रिजर्व्स को। भैया जो भी रिजर्व है पार्टनर्स में बांट दो, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, तो हम रिजर्व्स को बांट देंगे पार्टनर्स के अंदर, ओल्ड पार्टनर्स ओल्ड रेशियो, रिजर्व बढ़ गए। फिर आपका काम है तीसरा काम इस कैश अकाउंट को खाली करना। भैया ये कैश का जो भी बैलेंस है यहाँ पे ले जाके लिख दो, तो बैलेंस वॉट डाउन, हमारे पास जो भी कैश था हमने वो भी लिख दिया। फिर आपको क्या करना है, फिर आपको इस एसेट को बंद करना है। ये सारे के सारे एसेट्स रियलाइजेशन के डेबिट में आ जाएंगे, तो हम यहां लिख देंगे सन्ड्री एसेट्स। यहां हम लिखने वाले सन्ड्री एसेट्स, कुछ लोग इसको सुंदरी एसेट्स बोलते हैं, भैया बड़ा मजाकिया टर्म है आपका, इसको सन्ड्री एसेट्स कहा जाएगा। जहां पे हमने यहां पे सारे के सारे एसेट्स को बंद कर दिया है, जो भी एसेट होंगे अंदर, लैंड एंड बिल्डिंग, प्लांट एंड मशीनरी, फर्नीचर, जो भी एसेट होंगे सबके सबके बैलेंसेस आपको यहां लिखने हैं और पूरे एसेट्स को लास्ट पे यहाँ पे क्लोज करना है। एंड नेक्स्ट आ जाता है यहाँ पे लायबिलिटीज, राइट, हम सारे की सारे लायबिलिटीज को क्रेडिट साइड में लिखेंगे और वापस आप लोगों की भाषा में हम देने वाले एंट्री सुंदरी लायबिलिटीज, राइट, वी आर गोइंग टू क्लोज इट ओवर हियर। वापस से यहाँ पे जो भी लायबिलिटी भैया सबके सब लिख डालो, क्रेडिटर्स होगा तो हम क्रेडिटर्स लिखेंगे, राइट, बैंक लोन होगा तो बैंक लोन लिखेंगे, बिल्स पेबल होगा तो बिल्स पेबल लिखेंगे, तीनों के बैलेंसेस लिख के नेट अमाउंट अब बाहर निकालने वाले है। इस तरह से मैंने मेरा पहला काम पूरा किया है, मेरा पहला स्टेप पूरा किया है, दैट इज बैलेंस शीट खाली करो। देखो मेरी बैलेंस शीट में एक भी आइटम नहीं बचा है, मेरी बैलेंस शीट पूरी तरह से खाली हो चुकी है। मेरी फर्स्ट स्टेप खत्म, बैलेंस शीट खाली करो। नेक्स्ट मेरा स्टेप होता है एडजस्टमेंट्स करो। मेरा सेकंड स्टेप क्या है, एडजस्टमेंट करो। आपको क्वेश्चन में एडजस्टमेंट दिए होंगे, क्या एडजस्टमेंट दिए होंगे, इस तरह से कि हम ये सारे के सारे एसेट्स हम बेच रहे हैं, भैया हमने लैंड एंड बिल्डिंग बेचा है कुछ पर्टिकुलर अमाउंट में, प्लांट एंड मशीनरी बेचा है कुछ अमाउंट में, फर्नीचर हमने कुछ फलाना अमाउंट में बेचा है, नेट टोटल यहाँ आ गया, राइट। सो जब भी एसेट बिकेंगे वो यहाँ आ जाते हैं, वैसे ही अगर लायबिलिटीज बिकेगी वो वापस से उल्टे आ जाएगी। तो आप जो भी लायबिलिटीज को आपने पेमेंट किया होगा, लायबिलिटीज के लिए जो भी पैसा चुकाया होगा वो आप यहाँ लिख देंगे, क्रेडिटर्स को आपने जो भी चुकाया उसको लिख दो, बैंक लोन को जो चुकाया वो लिख दो, बिल्स पेएबल को जो भी अमाउंट आपने दिया वो लिख दो, नेट अमाउंट को आपको बाहर लिखना
पड़ेगा, राइट एनफ। सो इस तरह से आपकी सारी लायबिलिटीज भी पे ऑफ हो गई, आपके सारे एसेट्स भी रियलाइज हो गए। और भी छोटे मोटे एडजस्टमेंट्स होते हैं, भैया हमारा कोई रियलाइजेशन के एक्सपेंस हो गया हो तो वो एक्सपेंस को भी आप यहां लिख दो। फिल्म करने वाले इस पर्टिकुलर अकाउंट का बैलेंस, अगर आपका डिफरेंस डेबिट में आएगा तो उसे कहा जाता है रियलाइजेशन प्रॉफिट, और अगर डिफरेंस क्रेडिट में आएगा तो उसे कहा जाएगा रियलाइजेशन लॉस। अगर यहां आएगा तो रियलाइजेशन प्रॉफिट, यहां आएगा तो रियलाइजेशन लॉस। साथ साथ में आपको एक काम और करना है, ये जो भी एसेट बेच के आपको पैसा मिला उसमें कैश मिलने वाला है तो ये एसेट का सारा पैसा आपको कैश में प्लस करना पड़ेगा। वैसे ही लायबिलिटी को आपने जो भी पेमेंट किया आपका पैसा गया होगा तो ये लायबिलिटी का सारा पेमेंट आपको कैश में से माइनस करना पड़ेगा। आपके कोई एक्सपेंसेस हुए रियलाइजेशन के उसमें भी कैश गया होगा माइनस करना पड़ेगा, राइट इनफ। तो ये कैश में भी साथ साथ में एंट्री करते रहना। एसेट बेचने पे दो एंट्री आएगी, पहली एंट्री आएगी रियलाइजेशन अकाउंट में, दूसरी एंट्री आएगी कैश में। वैसे लायबिलिटी को पे करने में दो एंट्री आएगी, पहली आएगी रियलाइजेशन अकाउंट में और दूसरी एंट्री आती है वापस से कैश में। तो दोनों एंट्री साथ साथ में करना, गड़बड़ी मत करना, ओके। अब जो रिलेशन का आपको जो प्रॉफिट आया है वो प्रॉफिट को आप यहां लिखने वाले, रियलाइजेशन प्रॉफिट जो भी होगा वो आप लिख देंगे क्रेडिट साइड में। बाय चांस लॉस हुआ तो रियलाइजेशन का लॉस मान के आप लोग लिख देंगे डेबिट साइड में। आपने प्रॉफिट और लॉस यहां पे लिख दिया, लास्ट में जो भी बैलेंस बचेगा वो आप बैलेंस निकाल लो। अब ये बैलेंस को आपको बैलेंस ना लिख के इसको आपको कैश में ट्रांसफर करना है। ये पूरा का पूरा बैलेंस कैश में जाता है क्योंकि हमें जो भी पार्टनर्स का हिसाब बचता है वो हमें कैश में चुकाना पड़ेगा। तो हम यहाँ पे लिख देंगे जो भी पार्टनर है, भैया ए बी सी हो या एक्स वाई जेड हो या ए कोई भी होंगे, वो पार्टनर का हम कैश में बैलेंस लिख देंगे। और लास्ट में ये कैश बैलेंस पूरा का पूरा टैली होना चाहिए। अगर आपका कैश अकाउंट टैली हो गया मतलब आपका सम खत्म हो गया, ऑनेस्टली आपका सम खत्म हो गया। तो प्लीज ध्यान दीजिएगा, बड़ा ही सिंपल सा काम है, आपको तीन स्टेप में पूरा का पूरा काम करना रहेगा। पहला स्टेप होता है बैलेंस शीट खाली करो, दूसरा स्टेप होता है एडजस्टमेंट्स करो, और तीसरा स्टेप होता है भैया बैलेंसिंग करो, रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट निकालो और रिवैल्यूएशन के प्रॉफिट को आप आगे कैरी ऑन करो कैपिटल अकाउंट में, कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालो और वो कैपिटल अकाउंट का बैलेंस कैश में लिखा जाएगा और दोनों कैश के साइड टैली होंगे। अगर कैश के दोनों साइड टैली हो गए मतलब तुम्हारा आंसर परफेक्टली राइट। ये सम मैं आपको अभी करवा रहा हूं, इस सम का आप एक स्क्रीनशॉट ले लो। इलस्ट्रेशन नंबर 14 है आपका टीएस ग्रेवाल का, राइट। मैं मेरे मेथड से आपको ये पूरा का पूरा सम करवा रहा हूं, आपको कुछ भी नहीं करना इस क्वेश्चन के अंदर, एकदम सिंपल सा क्वेश्चन रहेगा। कैसे करना है तीन स्टेप्स में वो सिखा रहा हूं मैं, राइट। सो अगर आपके पास टीएस ग्रेवाल है तो साथ में लेके बैठिए, और नहीं है तो इस पर्टिकुलर क्वेश्चन का एक स्क्रीनशॉट लेके दूसरे फोन में आपके सामने रखिए, राइट। मेरी थोड़ी स्क्रीन छोटी है, मैं क्वेश्चन आंसर दोनों साथ में आपको नहीं दिखा पाऊंगा। चलिए, सो सबसे पहले मेरा काम होता है भैया बैलेंस शीट खाली करना। बैलेंस शीट में ऊपर आपको दे रहे कि कैपिटल के बैलेंसेस कितने हैं, 80,000, 80,000, 60,000। चलिए मैं लिख देता हूं, यहाँ पे बैलेंस आ गया मेरे पास 80,000 आ गया एक का, 80,000 दूसरे का आ गया और 60,000 तीसरे का आ गया, बराबर है बड़ी। तो इसके साथ साथ मेरा सबसे पहले ये खत्म हो गया, मैंने कैपिटल अकाउंट क्लियर कर दिया। नेक्स्ट है मेरे पास कैश का बैलेंस लिखना है, कैश का बैलेंस कितना है क्वेश्चन में दे रखा है, कैश का बैलेंस है 2,000 रुपीज। तो मैं यहाँ पे लिख दूंगा बैलेंस बॉट डाउन और मैंने कैश का बैलेंस यहाँ पे लिख दिया 2,000 रुपए। चलिए अब मेरा तीसरा काम होता है, मुझे सारे के सारे एसेट्स को बंद करना और मुझे सारे की सारी लायबिलिटीज को बंद करना है। चलिए मैं आपके सामने करूंगा, मैं यहाँ पे सन्ड्री एसेट्स लिख के मैं सारी की सारी एसेट्स को यहाँ पे क्लोज करने वाला हूँ। एसेट्स में क्या क्या आने वाले हैं, सबसे पहला है गुडविल दैट इज 30,000, दूसरा आने वाला है लैंड एंड बिल्डिंग दैट इज 80,000, तीसरा है प्लांट एंड मशीनरी एंड दैट इज 56,000, After that it's car, that is 54,000. After that it's debtors, that is 48,000. 30, 80, 56, 54 and 48 total करेंगे तो बाहर आएगा 2,68,000. ये मेरा टोटल बाहर आ गया। इस तरह से मैंने सारे एसेट्स को क्लोज कर दिया है। सो मैं लायबिलिटीज को क्लोज करने जाने वाला हूँ। देखेंगे लायबिलिटीज में हमारे पास सिर्फ एक ही चीज दी हुई है एंड दैट इज क्रेडिटर्स। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा बाई क्रेडिटर्स, मेरे पास क्रेडिटर्स कितने दिए हुए हैं दैट इज 50,000। तो चलिए सर हमारी पूरी बैलेंस शीट खाली हो गई है, हमने क्रेडिटर लिख दिया, हमने कैपिटल लिख दिया, हमने सारे एसेट्स लिख दिया, हमने सारा कैश लिख दिया। मेरा स्टेप वन खत्म, बैलेंस शीट खाली करो खत्म हो गया है। अब मैं आऊंगा स्टेप टू में मुझे कहा गया भैया मुझे एडजस्टमेंट्स करने हैं, राइट। एडजस्टमेंट्स देखते हैं क्या क्या होगा। एडजस्टमेंट्स करने से पहले चीज ध्यान रखना जो मैंने कही थी आपको, क्या ध्यान रहेगा, एसेट्स को बेचेंगे जो भी पैसा मिलेगा उसको यहां लिखेंगे, लायबिलिटीज को बेचेंगे जो भी पैसा मिलेगा उसे यहां लिखेंगे, एसेट्स को बेचने पे जो पैसा मिलेगा वो कैश में प्लस होगा, राइट एनफ। स्टार्ट करेंगे, एडजस्टमेंट में दे रखा है द फर्म वॉज डिसॉल्व्ड ऑन दैट डेट, एसेट रियलाइज गुडविल 20,000। चलो लिखना चालू करते हैं। तो गुडविल का मुझे मिलने वाला है 20,000,
आफ्टर दैट लैंड एंड बिल्डिंग का मुझे मिलने वाला है 1 लाख, आफ्टर दैट प्लांट एंड मशीनरी का मुझे मिलने वाला है 50,000, कार का मुझे मिलने वाला है 28,000, डेटर्स मुझे मिलने वाले हैं 50% ऑफ बुक वैल्यू, मेरी बुक में 48,000 के डेटर्स थे, 50% मतलब 24,000 टोटल करने जाऊंगा, मुझे टोटल एसेट से मिलने वाला है 2,22,000, 2,22,000 मुझे मिल रहा है। चलिए वो मैं लिख दूंगा कैश में, और यहाँ पे लिख दूंगा मैं मुझे रियलाइजेशन अकाउंट पे जो भी एसेट बेच के रियलाइज हुआ वो मैं यहाँ लिख रहा हूँ, दैट इज 2,22,000, 2,22,000 मुझे यहाँ पे पैसा मिल रहा है। इसके बाद में आगे पढ़ेंगे, रियलाइजेशन एक्सपेंसेस दे रखे 2,000, लायबिलिटी के बारे में कुछ भी नहीं कहा है, जब भी लायबिलिटी के बारे में कुछ नहीं कहा हूं मतलब पूरी पे ऑफ हो रही है। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा भैया मैंने बैंक से क्रेडिटर्स को पे किया है 50,000, और पे करूंगा तो कैश से माइनस, तो यहाँ लिख दूंगा रियलाइजेशन, ब्रैकेट में लिख दूंगा क्रेडिटर्स को मैंने पैसा दिया है और कितना दिया है 50,000, मैंने क्रेडिटर्स को लिख दिया है 50,000 रुपीज, जिसको नहीं दिख रहा हूं मैं बीच में आ रहा हूँ शायद थोड़ा सा, सो सॉरी फॉर दैट। सो 50,000 मैंने यहाँ पे क्रेडिटर्स को पेमेंट कर दिया है। फिर मुझे दे रखा है रियलाइजेशन एक्सपेंसेस है मेरे 2,000, चलिए भैया फाइन इनफ, मैंने रियलाइजेशन एक्सपेंस भी लिख दिया 2,000 रुपीज, वो भी मैंने लिख दिया। अब आप मानोगे कि इसके साथ साथ मेरा सेकेंड स्टेप खत्म हो गया, दैट इज एडजस्टमेंट्स करो। अब मेरा लास्ट स्टेप कुछ नहीं करना उसके अंदर, दैट इज बैलेंसिंग करो, राइट। बैलेंसिंग करना स्टार्ट करेंगे, सबसे पहले हम बैलेंसिंग करने से पहले हम टोटल करना स्टार्ट करते हैं। बैलेंसिंग करने का सबसे पहला पार्ट डेबिट का टोटल करेंगे, 2,68,000 प्लस 50 प्लस 2,000 टोटल गोज टू 3,20,000, और क्रेडिट में मेरे पास 2,22,000 और 50,000 मतलब 2,72,000 माइनस करेंगे तो मेरे पास बचने वाला इधर की लॉस आएगा, आपकी बार रियलाइजेशन लॉस आ गया मेरे पास एंड द लॉस इज 48,000, तीनों पार्टनर्स में बटेगा, पार्टनर्स का रेशियो हमें क्वेश्चन में दिया हुआ 2:1:1, सो हमारे पार्टनर का नाम है ए बी सी, 2:1:1 मतलब 24,000, ए को मिलेगा 12,000, बी को मिलेगा एंड 12,000 सी को मिलेगा, रियलाइजेशन लॉस हुआ तो उनके अकाउंट में लिख देंगे 24,000 ए, 12,000 बी एंड 12,000 सी, बराबर है भाई लोग। चलिए अब हमें कैपिटल अकाउंट का बैलेंस निकालना है, बैलेंस निकालना चालू करते हैं। 80,000 ओपनिंग था, 24,000 का लॉस हुआ मतलब यहाँ मेरे पास बचने वाला है 56,000, 80 माइनस 12 तो बचेगा 68,000 एंड लास्ट भी आ जाएगा 60 माइनस 12 दैट इज 48,000। अब ये पूरा का पूरा बैलेंस आपको कैश में देना है, इसलिए यहाँ पे आप लिखो कैश, ठीक है। कितना देना है कैश में हमें, 56,000 देना है हमें ए को, 68,000 हमें देना है बी को और 48,000 हमें देना है सी को, राइट इनफ। अब आप लोग का ट्राई रहेगा बच्चा लोग कि आपको इस कैश अकाउंट को टैली करना है, अगर आपका कैश अकाउंट टैली हो गया मतलब बोलो तारा रारा, तुम्हारे 6 मार्क्स पूरे आने वाले इस क्वेश्चन के अंदर। चालू करूंगा, डेबिट में आने वाला है 2,24,000 और क्रेडिट में 50 प्लस 56 प्लस 68 प्लस 48 एंड प्लस रियलाइजेशन का एक्सपेंस मैं लिखना भूल गया हूँ, वो लिख देता हूँ मैं यहाँ पे 2,000, मतलब टोटल मेरा यहाँ पे भी आ गया है 2,24,000 और मेरे दोनों साइड टैली हो गए। सर मेरे दोनों साइड टैली हो गए मतलब मेरे पूरे के पूरे 6 मार्क्स डन हो गए। देखिए मैंने कहा था 10 मिनट का चैप्टर है, उसके ऊपर का नहीं है, वो भी थोड़ा मैंने आपको समझा समझा के स्ट्रेच किया है, बाकी इट्स ए वेरी वेरी सिंपल क्वेश्चन। हम एक क्वेश्चन रियलाइजेशन का मैक्सिमम 5 मिनट में करते हैं, नॉट मोर देन दैट, इट्स अ वेरी इजी चैप्टर। होप यू लव्ड इट, वापस से मिलेंगे मेरे नेक्स्ट वीडियो के साथ में, बाय बाय फॉर द डे।